Say no to youth against corruption. Youth against corruption. Youth against corruption. Say no to. Say no to. JKSSB. JKSSB. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. JKSSB. JKSSB. Say no to. Say no to. Say no to. मामला की आज एक मीटिंग हुई, मीटिंग इस लेकर थी कि हमारा जेके पीएसआई का एग्जाम एक बार काश हुआ, दूसरी बार जेके एसएसबी ने जो है इसको एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो ऑलरेडी 6 states में ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक है। नोटिफिकेशन आई कि 30 दिसंबर को आपकी की मिलेगी, 30 के बजाय 28 दिसंबर को ही जो की लीक हो जाती है। अब कहाँ सा फेयर प्रोसेस रहा आपका? अगर जेके एसएसबी ने पैसे लेके ही यूथ को लगाना है तो सिंपल बता दें, फिर हमारा फ्यूचर क्यों दांव पे लगाया? क्यों हम पढ़ेंगे? इतनी मेहनत किस लिए करेंगे? वाई शुड वी बर्न आर मिडनाइट ऑयल? And for what? If you think that these people are better for this, okay, let them, let you take them. उन्हीं को लेके चलो भाई, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम अपना टाइम जाया ना करेंगे। फिर हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहेगी और खासकर मुल्क के PM से मांग रहेगी कि इंटरवीन करें और जो करप्शन है जिसको आप कहते हो खत्म करनी है, वो करप्शन खत्म करके दिखाएं। जो लोग आपने ब्लैक लिस्ट किए उनको क्यों ला रहे हो? और 28 बंदों के खिलाफ आपने FIR की तो वो 28 बंदे सामने लाएं। जो कैंडिडेट्स इन्वॉल्व हैं उन कैंडिडेट्स को आप डेबर करें एग्जाम से, ये हमारी मांग रहे। बारामूला कृपया पार्क में ये यहाँ पे जमा हुए हैं, हमारी मीटिंग हुई YC बारामूला की तरफ से। तो हम JKSSB के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ पे एपटेक के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछली बार उन्होंने JKPSA का एग्जाम लिया है ना, जब इनको की रिलीज करनी थी उन्होंने की रिलीज की अलॉन्ग विद पेपर, और जब की रिलीज हुई एक बंदे ने भी JKSSB के एक बंदे ने बोला, ये नहीं बताया कि दो दिन पहले डेट देते हैं, वो 20th को डेट देते हैं, शायद 20th थी ना, तो दो दिन पहले वो की लेकर करते हैं। खाली की लीक नहीं हुई, उन्होंने की लीक की अलॉन्ग विद पेपर, डेट में थर्ड पार्टी को पेपर दिया था, थर्ड पार्टी को पेपर दिया था, वो क्रेडिबल नहीं रहे। मुझे अगर मुझे पेपर है, इनको पेपर है, फिर की लीक क्या है? डेमो लीक क्या होता है? नया टर्मिनोलॉजी इन्वेंट कर ली, डेमो लीक, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। डेमो लीक बोलते की होगी, डेमो लीक है ना, डेमो की लीक हुई है, लेकिन वो डेमो की लीक नहीं हुई थी, उन्होंने पेपर भेजा था और इनके बंदे ने कंप्लीट ने क्या कर दिया, वो जो बोल रहे हैं ये डेमो की लीक हुई है, वो डेमो की लीक नहीं थी, ये इन्होंने पेपर ही पहले बेचा था, वो लीक हो गया। अब इनको जब इनका चेहरा पब्लिक डोमेन में आ चुका है, अब ये अब कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बिल्कुल छुप छुप के बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि फर्म गवर्नमेंट रूल डिसाइड करे ताकि ये क्रेडिबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। हमें क्या, थर्ड पार्टी बोल रही है, प्राइवेट एजेंसी है, उन्होंने पेपर लिया हुआ है, हम किन को पकड़े? हमने फॉर्म चेक SSB को भरा है ना, एपटेक को भरा है, तो अब क्रेडिबल है ही नहीं कोई भी। ये बोल रहे उन्होंने लीक किया है, पिछली बार मिलिट्रेक ने लीक किया था, अब हम लोग कहां जाए? मिलिट्रेक को पकड़े, एपटेक को पकड़े, JKSSB को पकड़े, वो तो मान ही रहे, वो बोल रहे आपने फॉर्म लगाया हमें, तो मिलिट्रेक बच की जाती चली जाती है, प्राइवेट कंपनी है भाई, उनको कोई होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो कम्प्लीटली। हम लोग आज यहाँ बारामूला में जमा हुए, हमारा एक प्रोटेस्ट जो वेरी वाइड चल रहा है पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में। तो हम एक्चुअली यहाँ जमा हुए हैं, JKSSB जो है इसने एक ब्लैकलिस्टेड फॉर्म को हायर किया हुआ है, एपटेक जिसका नाम है, जो पूरी स्टेट में जहां पर भी एग्जाम किया उसने वहां पर वो ब्लैकलिस्टेड है। हमारे लोगों के लिए हमने एग्जाम देना है, हमने फी भरी है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये सिचुएशन जिसे एलियन कोई बाहर से आए हैं, हम लोगों की ये बात नहीं सुन रहे, हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अब पूरा वेली वाइड हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, हम चाहते हैं कि ये जो ऐप पैक है इसको बाहर किया जाए और एग्जाम जो है फ्री और ट्रांसपेरेंट मैनर से हो। देखिए JKPSA में स्कैम हुआ, FMA स्कैम हुआ, उसके बाद हमारा JEE में स्कैम हुआ, लेकिन वो स्कैमर कहाँ गया हमें पता नहीं चला। FIR हुई 28 लोगों के ऊपर, लेकिन उसमें कोई भी आदमी डीबार नहीं हुआ। वही लोग जो पहले एग्जाम में बैठे थे जिन्होंने पैसे दिए थे वो आज भी एग्जाम में बैठे हुए। हमारी यही मांग है कि एग्जाम को फेयर तरीके से किया जाए, हम लोगों का फ्यूचर जो हम इस वेट क्लाइमेटिक कंडीशन में बैठे हुए हैं, हमारा फ्यूचर को सेव किया जाए। शुक्रिया।